सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 4,500 सोसाइटियां हैं और कई सहकारी संस्थाएं हैं जिनको कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया है। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने वादे तो बहुत किए लेकिन उनको निभाया नहीं। कांग्रेस ने कर्ज माफी की बात करके शासन से बैंक में एक भी पैसा नहीं डाला और किसानों को लगा कि कर्जा माफ हो गया है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कई गरीब किसान डिफाल्टर हो गए। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में 4,500 सोसाइटियां हैं और कई सहकारी संस्थाएं हैं जिनको कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोसाइटियों को जिंदा रहने के लिए 800 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले हैं। किसानों को लगा कर्जा माफ हो गया, शासन ने पैसा बैंकिंग व्यवस्था में नहीं डाला, इसके कारण बेचारे गरीब किसानों के डिफाल्टर हो गए। क्योंकि आपने पैसा हमको नहीं दिया तो बैंकों ने पैसा जो है ना उनको देना चाहिए था, किसानों को नहीं हुआ, उन्होंने किसानों ने पैसा जमा नहीं किया तो डिफाल्टर किसान करने के भी एक कांग्रेस की साजिश है, चाल है। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी 800 करोड़ रुपए किसानों के खाते में व्यवस्थित चले जाएं, इसलिए हमारे पैक्स सोसाइटियों को जिंदा रहने के लिए दिया है। ये कांग्रेस के पाप है, कांग्रेस का अपराध है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।